आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अविश्वसनीय घटनाएं क्या हो सकती है सोकोर्स इट विलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जो डी एक्स सैनिटीजर चैनल प्रोडेशन चैनल को लाइक् जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड फॉर मोर रील्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एटक्षि थ्री सिक्स नाइन सो स्टार्टेड गाइज बट वी आर वेटिंग फॉर देख लेते हैं कि तमाम घटनाएं क्या आ सकते हैं आपकी जिंदगी में जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा कोर्स मिलने वाला है ओके okay. सो so, आप प्लीज कूल स्टेट ऑफ माइंड पे रहिएगा ठीक है और सो यूनिवर्स इट गाइड्स एरें राइट डिरेक्शन की मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या अविश्वसनीय घटनाएं हो सकती है प्लीज बताए यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज बताएं ओके okay. थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई गन स्टार्ट ओके okay. हम्म hmm. मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना जैसे कोई जाली जाली है यहाँ पे मतलब कुछ नेटवर्क जैसा हो सकता है जैसे वेब होता है ना जिस तरह से वेब लेंथ होते हैं ठीक है आप जानते ही होंगे तरंग होता है राइट उस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ सो so, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे वेब दिखाई दिया मुझे इसका मतलब ये होगा जरूर कि आपकी जिंदगी में कनेक्शंस की कोई कमी नहीं होगा अचानक से ऐसा कनेक्शन आपकी जिंदगी में आएगा जो ऑफ कोर्स आपको कभी भी शिकायत की मौका ही नहीं देंगे वो इंसान ना कि आपको उस जगह से आ, कोई भी शिकायत होगा सपोज आप कोई जगह पे काम कर रहे हैं ठीक है ठीके? और एक उस जगह पे आप संतुष्ट नहीं है यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल हो सकता है कि बिहेवियर आपके कलीग्स की सही नहीं है या आपके बॉस की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट एबल टू वर्क एनी मोर अगर आप एक सीनियर पोजिशन में भी है तो भी अच्छा से काम नहीं हो पा रहा है अगर आप शादीशुदा है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्साइटमेंट तो बिल्कुल नहीं है कुछ लोगों के लिए ओके एंड आई डू फाइंड दैट वो जो चीज़ें है ठीक है आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो तो वो सब चीज इट विल बी ओवर यू नो वाई बिकॉज जितना आप कनेक्टेड रहेंगे ठीक है बहुत सारे लोगों के साथ उनका ओपिनियन आप शेयर कर रहे हैं उनका एडवाइस आप फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आप दूसरे के साथ बात कर रहे हैं इंटरेक्शन कर रहे हैं सो so जितना हम लोगों के साथ बात करते हैं कहीं ना कहीं पे हम उस चीज को तभी जाके भूल पाते हैं या हमें अकेला फीलिंग नहीं होता है बेसिकली सो लॉट ऑफ कनेक्शंस आर कमिंग वाई यहाँ पे दिख रहा है सो so, वाई से किसी का नाम हो सकता है या वाई ऐसा हो सकता है कि मे बी इट इज लाइक दैट दैट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा बट मिडल ऑफ द ईयर विल बी वेरी मच एक्साइटिंग ठीक है उस तरह से मुझे दिख रहा है ओके, okay. सो, right. so, hmm. देखो जो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपकी कुंडली में हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ रुकावट आपकी जिंदगी में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी शायद आपने कोई उसका निवारण नहीं किया या उसके लिए आपको जो सिंपल टेक्निक्स भी बताए गए है वो भी आप फॉलो नहीं किए, इसलिए ऐसा हुआ आई कैन सी य गोल्डन चिक ठीक है मुझे यहाँ एक चिक दिखाई दे रहा है जैसे बोला जाता है ना कि आ, हमेशा उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत सहायता करे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो ठीक है जिनका व्यवहार से या जिनका एटीट्यूड से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलता है उन लोगों को जो हमेशा आपको जब भी, भी ज़रूरत पड़े वो आपकी सहायता करते हैं उन लोगों को आप हमेशा ही अपना बनाएं और अपना बनाने की कोशिश भी करें सो so, मुझे यहाँ पे दिख रहा है येस यू आर गोइंग टू गेट सच अ कनेक्शन जो आपको एकदम डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन पे आपको संभालने के लिए तैयार होंगे बार बार मुझे उस तरह से ही फीलिंग्स आ रही है कहीं ना कहीं पे आप एक चाइल्ड लाइक क्वालिटीज आपके अंदर है बट आप मे भी चाइल्डिश नहीं है लेकिन चाइल्ड लाइक क्वालिटीज बहुत अच्छे होते हैं जैसे चाइल्ड जो भी है बच्चे जो है काफी ज्यादा इनोवेटिव होते हैं वो उनका सोच का कोई लिमिट नहीं होता है सो बेसिकली यून न चाइल्ड डिश बट यू आर हैविंग चाइल्ड लाइक क्वालिटीज तो ये सारे चाइल्ड लाइक क्वालिटीज से ही ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप के अंदर वो सोचने का जो क्षमता है वो इनोवेटिव टेंडेंसी है वो आपको और आगे तक लेके जा रहा है स्पेशली ट्रेमेंडस चेंज इन योर करियर यहाँ पे देखो एक डेमन ठीक है एक डेविल यहां पे आ रहा है और यहाँ पे यस डेविल विद द हॉर्न्स सो आई डू फाइंड लाइक दैट इफ यू कैन सी दिस आई डोंट नो यस दिस इज लाइक दैट ये देखो सो डेविल विद द हॉर्न्स ये भी बताते हैं कि कुछ एडिक्शंस जो है मे भी आप रिपीटेड कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं या कहीं ना कहीं पर किसी के आपके पार्टनर की हो सकते है कि कुछ ड्रिंकिंग हैबिट्स स्मोकिंग हैबिट्स या कुछ भी उनका जो सही नहीं है ठीक है एक्सेसिव हो जा रहा है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस चीज का भी जैसे अंत होने वाला है इट विल नॉट बी देयर डेफिनेटली इट विल नॉट बी देयर यहाँ पे जैसे यू कैन सी लाइक दैट इट इज़ कमिंग आउट लाइक दिस जैसे यहाँ पे टावर है बट यहाँ पे कोई ब्रोकन टावर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इट इज़ नॉट लाइक दैट यहाँ पे एक सनफ्लावर फ्लावर की हाफ सनफ्लावर पेटल्स बेटल्स विद दिस टावर आई कैन सी लाइक दिस कैन यू सी दिस येस दिस इज़ लाइक दैट दिस इज़ लाइक सनफ्लावर और अ डेजी और यहाँ पे है टावर सो बेसिकली न्यू कंस्ट्रक्शन जो आपने सोचा भी नहीं होगा एक नई तौर से जिंदगी की शुरुआत एक न्यू लाइफ ठीक है और जीवन शैली जिसको बोला जाता है कहीं ना कहीं पे वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रैक्टिकली और लॉजिकली अगर हम देखे तर्क के विषय से अगर हम देखें सो मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रमोशंस ड्यू थे बहुत दिनों से बट हो नहीं रहा था हो नहीं पा रहा था तो वो होगा आई थिंक न्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ जिस तरह से कुछ चीजें कोलैप्स हो जाते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिज कोलेप्स हो जाता है तो दो सिटी के बीच दो स्टेट के बीच हो सकता है कनेक्शन बंद हो जाए लेकिन ये क्या रहेगा इस तरह से नहीं रहेगा ना सो अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज कुछ भी करके उस ब्रिज को फिर से स्थापित करेंगे ताकि दोनों सिटी के अंदर कनेक्शन टूटे ना ठीक है उस तरह से ही है कि कुछ चीजें है जो हो सकता है कि टेम्परे पीरियड के लिए हो रहा हो बट परमानेंट में कभी ऐसा नहीं होगा सो आई कैन सी लाइक दैट तो दूसरा चीज जो मुझे यहां पे दिख रहा है कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया यहां पे दो शाखाएं के ऊपर बैठ रही है सो मैसेज इज डेफिनेटली गोइंग टू कम हो सकता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप कम्युनिकेट करते हो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आप आपस में आई कैन फाइंड द थ्री ऑफ पेंटेगर्स ओवर हियर जहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इट विल बी लाइक दैट कि आप शायद कुछ लोगों को अपने साथ में रखोगे रख के उनकी आइडियाज को लोगे और अपने आइडियाज को वहाँ पे इन ऑफकोर्स इनपुट करोगे तो आउटपुट जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस आप देना चाहते हैं कस्टमर्स को क्लाइंट्स को या ऑडियंस को जो भी है वो सबकी मिली हुई है जैसे होता है ना कि सामने तो हम देखते हैं एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए लेकिन पीछे जो है उसका सीन डिफरेंट होता है दैट इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन बिहाइंड द सीन में डिरेक्टर्स होते हैं ठीक है प्रोड्यूसर्स होते हैं स्पॉट बॉयज होते हैं मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा करोगे एंड डेफिनेटली जब प्रोडक्ट जो निकलने वाला है क्योंकि सबके बुद्धि से वो होता है ठीक है सबके कोऑपरेशन से वो होता है सबके कोलैबोरेशन से होता है अगर एक भी पर्सन इस प्रोजेक्ट में हार नहीं करेगा तो आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे तो अगर आपके एम्प्लॉयज भी काम करना बंद कर देंगे तो वो कैसे चलेगा सो so, इसी तरह से सबके ग्रुप यूनाइटेड एफर्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है टी लेटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ओके सो टी आई के ए वी एच एन ओके आई कैन सी लाइक दैन आई डू फाइंड पर्सन सिटिंग लाइक दिस रिलैक्सड वे में शायद आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ओके जस्ट चेक योर मेल्स इन केस अगर आपको कोई मैसेजेस मिल रहा है मेल्स मिल रहा है या स्पैम में चला गया है आप उसको जरूर चेक करना ठीक है हो सकता है कि कुछ मेल स्पैम में चला गया है शायद आप चेक नहीं कर पाए हैं सो so, यहां पे भी मुझे दिखाई दे रहा है इट्स लाइक अ क्रो जो स्केयर क्रो होते हैं वो जनरली खेती में होता है आपने देखा होगा कि कौे जैसा कवे को भगाने के लिए ना एक लकड़ी का जैसे बनाया जाता है कि वो उसको लगता है कि ये इंसान है और भाग जाता है इस तरह से उसको बोला जाता है क्रो तो हो सकता है कि कुछ आ, आपको कुछ करना पड़े ठीक है ताकि मतलब मैं नहीं बोल कि आप भगा रहे हो किसी को बट आप इतना make sure कर रहे हो कि जो भी इंसान आपको डिस्टर्ब कर रहे है वो और आपको डिस्टर्ब ना करे ओके सो अप्रत्याशित रूप से मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि योर एनिमीज आपके अगर सीक्रेट एनिमीज भी है वो भी उनका जो प्लान है वो फेलियर होते जा रहा है एंड डेफिनेटली देर इज अ विन विन सिचुएशन विन विन मुझे दिख रहा है यहाँ पे जीत आपका होते हुए दिखाई दे रहा है ऑफ़ कोर्स यू आर गेटिंग मच मोर सपोर्ट जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था तो वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नव लेट मी गो फॉर दिस कार्ड ताकि हमें और भी पता चले कि आपके जिंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है ओके ओके सिक्स ऑफ पेंडिवर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा अगर आपके परिवार में कुछ ऐसा आप आप और आपके भाई आपके बहन या किसी और में आ, कुछ प्रॉपर्टीज के मामले हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको बेदखल किया जाएगा या आपको कम मिलेगा बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है ठीक है यू विल बी रिसीविंग इक्वल ठीक है जो रिटर्न में आपको मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा आपको रिलीज कुछ तकलीफें है जो ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी से अलविदा करने वाला है जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे भी मैंने इस तरह का टॉल बिल्डिंग देखा है टावर जैसा वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है दैट सिचुएशंस जो आपके लायक नहीं है वो सिचुएशन से आप बिल्कुल हटेंगे ये सब जैसे मैंने आपको बताया एक न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफकोर्स एक्शन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है जिसका लाभ आप डेफिनेटली उठाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू सब्सक्राइब लाइक शेयर बॉटम ऑफ द डे वी डिड है सिक्स ऑफ स्वर्स जहां पे आप एक पीसफुल जिंदगी बिताते हुए दिखाई दे रहे हो जो शायद आपके लिए अभी लग रहा है कि कैसे हो सकता है मेरी जिंदगी इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है इतना मेरे लिए इतना फेवरेबल कैसे हो सकता है सिचुएशन तो वो होगा मे बी विद इन सिक्स डेज सिक्स वीक्स या सिक्स मंथ्स के अंदर आपको काफी ज्यादा असर पड़ेगा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी होंगे वर्तमान हालात जो भी होंगे और फ्यूचर में मैं जो देख पा रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑफ द ईयर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टेल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप डिविनिटी वॉचिंगसपर्ट रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस थैंक यू एंड एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ